हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लगभग 3 माह बीत चुके हैं कोरोना के प्रकोप को भारत में और लॉकडाउन लगे को, और जल्द ही ये लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है। पर दोस्तों, याद रखिएगा, जितना बेसब्री से आप बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं, उतनी ही बेसब्री से शायद कोरोना वायरस भी हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहा होगा। तो घर से बाहर जाते वक्त और वापस आते वक्त अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। पता है आपको सद्गुरु क्या कहते हैं? सद्गुरु जी ये कहते हैं कि हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कल क्या होगा, बिकॉज हमें वाकई नहीं पता कि ये वायरस किस और अपना रुख बदलेगा। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं, सब लोग अपने गैसेस लगा रहे हैं, पर सत्य कोई नहीं जानता कि आने वाले 2-3 महीने बाद ये वायरस अपनी किस और दिशा बदलेगा। लेट अस नॉट अज्यूम दैट कि क्या होने वाला है, क्या हमारे एफर्ट्स काम आएंगे या ना आएंगे, कौन सी चीज रिलेवेंट है, कौन सी चीज इररिलेवेंट है, हम कुछ नहीं जानते। वी हैव नो क्लियर पिक्चर्स। सो हमारी गलत या नेगेटिव इमेजिनेशंस को यूज ना करते हुए हम अपने स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी और अपने पैनिक को ना बढ़ाएं। कुछ लोग तो अभी से ये कहने लग गए कि इस वायरस ने अपने 10 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में म्यूटेट कर लिया है। तो क्या इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी बन पाएगी? क्या 7.5 अरब लोगों को दुनिया के ये वैक्सीन इतनी जल्दी पहुंच पाएगी? क्या वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं हो पाएगी? ये सब हम कुछ नहीं जानते, और जब हम कुछ भी नहीं जानते तब हम सिर्फ इंतजार करते हैं। और इंतजार करते वक्त हम जो सबसे खूबसूरत चीज कर सकते हैं वो है अपग्रेडिंग अवर सेल्फ। अपग्रेडिंग अवर सेल्फ का मतलब है अपनी फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी। आज से 1 महीने बाद फिजिकली आप अपने आप में 10% और फिट होने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके, अच्छा भोजन लेकर। आज से 1 महीने बाद आप मेंटली 10% और शार्प होने की कोशिश करें, आप इमोशनली 10% और बैलेंस होने की कोशिश करें। अब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें। लेट अस वर्क ऑन आवर सेल्फ, लेट अस बिकम मोर कॉम्पिटेंट, मोर बैलेंस्ड, लेट अस बिकम अ फिट एंड अ बेटर ह्यूमन बींग, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन फेस एन अननोन सिचुएशंस। थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।